मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मेला लगाया गया। इस मेले में पानीपत के हरियाणा से 10 करोड़ का भैंसा सुर्खियों में बना है जो मेरठ पहुंचा। इस भैंसे का नाम गोलू है। भैंसे के मालिक नरेंद्र सिंह बताते हैं कि इस भैंसे की कीमत 10 करोड़ तक लग चुकी है। भैंसे के खान पान व देखभाल में प्रति महीने लाखों रुपए का खर्च आता है। इस भैंसे से होने वाली आमदनी भी खूब है। ये भैंसा रोजाना 25 लीटर दूध, 15 किलो फल, 15 किलो दाना और 10 किलो मटर खाता है। इसके अलावा हरा चारा भी इसे दिया जाता है। गोलू के शरीर की हर रोज तेल से मालिश की जाती है। इस भैंसे का स्पर्म बेचकर भैंसे के मालिक हर महीने लाखों रुपए की कमाई करते हैं। भैंसे के स्पर्म की मांग हरियाणा के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में है। गौरतलब है कि 2022 कृषि उद्योग कृषि कुंभ का आयोजन किया गया था। लगातार खेती की बढ़ती लागत और इसके हिसाब से फसलों का लाभकारी मूल्य ना मिल पाना किसानों की प्रमुख समस्या है, जिस पर गहन विचार विमर्श की आवश्यकता है। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेला चल रहा है। इस मेले में खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है एक भैंसा जो कि 10 करोड़ की कीमत का है। गोलू 2 नाम का ये भैंसा चर्चाओं में बना हुआ है। खासतौर पर हरियाणा से लाया गया ये भैंसा फिलहाल कृषि विश्वविद्यालय की शान बढ़ा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो भीड़ है जो कि इस खास भैंसे को देखने आई है। इसके मालिक का साफ तौर पर कहना है कि ब्रीडिंग के जरिए इससे कमाई होती है जो कि 2 से 2.5 लाख रुपये की होती है और वो इस पर ही खर्च की जाती है। इनका ये भी कहना है कि इसका बाप यानी कि इस भैंसे का बाप भी गोलू 1 जो था वो भी इतनी भारी कीमत का था और अब ये दूसरी नस्ल जो है वो भी यानी कि दूसरी पुश्त कही जाए तो दूसरी औलाद उसकी कही जाए तो वो भी इतनी भारी कीमत की है अपने आप में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और यहाँ जो भीड़ मौजूद है उसके ये देखने के लिए उत्साह है, भीड़ काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रही है इस भैंसे को देखने के। दूर दराज से लोग आए हुए हैं और जाहिर तौर पर कहा जाए तो कृषि विश्वविद्यालय की ये पहल सराहनीय है जिसके ज़रिए करोड़ों की कीमत का ये भैंसा देखने के लिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं। अखबार वाले के लिए मेरठ से आदिल रहमान।